एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, आपको ये मत समझिए कि ये मैं आपको भाषण में बात बोल रहा हूं। मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है, और रास्ते में देश भर से हमारे लोग लेबर का काम करते हैं, बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग स्टेट से यहां लोग सड़क बनाने लेबर का काम करते हैं। और मैंने जानबूझ के इनसे सवाल पूछा, मैंने इनसे पूछा, देखिए आप यहां सर्दी में काम कर रहे हो, यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, यहां पे -10-20 हो जाता है, आपको लद्दाख के लोग कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि यहां आप अकेले काम कर रहे हो, या लद्दाख के लोग आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं? मैंने उनसे पूछा, और एक से नहीं, अनेक लेबरर्स से मैंने पूछा, और सारे के सारे लेबरर्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। यहां पे जो भी कठिनाई होती है, पत्थर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर्दी होती है, भूख लग जाती है, लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं, और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं, वो एकदम हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके डीएनए में है, आप एक साथ इज्जत के साथ बिना नफरत के रहते हो, और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे वो वायदे झूठे थे, और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और आपकी जो स्ट्रगल है
चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। मैं लद्दाख के चारों ओर घूमा हूं और शायद ये हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है। और लद्दाख के हर रीजन में आपके लोकल इश्यूज हैं और लद्दाख के भी सेंट्रल इश्यूज हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें मैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में आपके लिए उठाऊंगा। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए मगर मोटर। और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं वो अपनी मन की बात करते हैं, मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं।